व्यक्ति जो भी बातें करता है वो क्या है? एक ध्वनि है, एक आवाज है, जिसे हम ध्वनि से नाम से जानते हैं। तो बच्चों क्या पता है ध्वनि को एक वर्ण भी कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है? तो उसी को हम ध्वनि नाम से भी जानते हैं। क्यों के लिए बच्चों देखो, वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि अक्सर तुमने बच्चों देखा है हिंदी में जब तुम पढ़ते हो तो वर्णमाला है क ख ग घ के बाद च छ ज झ। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये एक वर्णमाला का व्यवस्थित रूप ही तो है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये जो वर्णों की जो व्यवस्थित रूप समूह होती है, इसे ही हम कहते हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। पता चला बच्चों, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम दिया गया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं।
दिया।